अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कड़पा आया हुआ हूँ और ये हमारे भाई जनाब हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब हैं, यहाँ इमामत करते हैं। इन्होंने ये एक जगह दिखाई ला करके हमें, ये हमारे पीछे आप ये पूरी कॉलोनी बनती हुई देख रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा आप इसको बोल सकते हैं कि आवाम के लिए पक्के मकान का इंतज़ाम यहाँ की हुकूमत ने ज़मीन के साथ, ज़मीन भी और घर भी उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन कर करके ऐसे मकानात दिए गए हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकदम छोटा सा एक रूम बना के और कमज़ोर सा बना करके दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना पुख्ता मकान बनाया है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बड़ी बात है कि 4000 घर है यहाँ पे, 4000 घर है जी, ए बी सी डी, एक ग्रुप में 1000 घर है, बी ग्रुप में 1000, सी में 1000, डी में 1000, तो टोटल 4000 घर। तो तुझे कितनी बड़ी आबादी होगी, नज़र भी आ रहा है बहुत दूर तक है दोस्तों, 4000 घर तो अब तक में बस चुके हैं पता नहीं। और बड़ा अच्छा मंज़र है, देखिए पीछे ये पहाड़ी एरिया आप देख रहे हैं, कितना शानदार व्यू है। और हर जगह ये बाज़ाब्ता बेहतरीन इतना रोड छोड़ा गया है गली के लिए, ऐसा नहीं कि सुखड़ी सुखड़ी जगह है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो पूरी कॉलोनी है 4000 घरों की। फिर उधर जो ज़मीन बची है गवर्नमेंट की, उस पर कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल और दीगर ज़रूरियात जो एक शहर के लिए होती है। और ये हमारे भाई का घर है, देखिए ये देखिए, ये इन्होंने पुख्ता बनाया है, थोड़ा बहुत अपना पैसा खर्चा किया है, बाकी सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से है ना हाफिज़ साहब। तो क्या बना रहे हैं इसमें आप? इंशाल्लाह ये हमारा भविष्य के जाई सेंटर का बहुत बड़ा स्टूडियो बनने वाला है। अरे वाह माशाल्लाह, इनका यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसका नाम है जियाई सेंटर, और बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक बेहतरीन सब वीडियोस बनाते हैं, बहुत शानदार मालूमात होती है, आप उनको जा कर के देखें जियाई सेंटर को। और ये उनका घर है, घर तो क्या, ये इनको स्टूडियो बनाने की बात कर रहे हैं, घर तो इनका वहाँ शहर में है, बहुत शानदार बेहतरीन। ये मेरी गाड़ी है जी, और ये हजरत की गाड़ी है माशाल्लाह, बहुत गर्मी कम है, मौसम बहुत शानदार है। सबसे खसूसियत की बात ये है, गर्मी कम है का नाम लेते ही धूप आ गई। तो हाफिज़ साहब अब कहाँ जाएंगे आप? अब चलें इंशाल्लाह रास्ते में, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पर दिखाएंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखी है दोस्तों हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना शानदार इंतज़ाम किया गया। मैंने हर जगह हुकूमत का, हम लोग सुनते हैं ना कि हुकूमत बना करके दे रही है दे रही है, तो वो 50,000 1,00,000 रुपये दे देते हैं, लो बनाओ जो बनाना है, वो 1,00,000 रुपये में तो बांधते दहलीज भी नहीं बनने वाला क्या हाफिज़ साहब। और यहाँ ज़मीन देते हैं, पहले हुकूमत देती है, उसके बाद घर बनाने का पैसा देती है किस्त बाई किस्त, और उसके बाद पूरा घर बनाया जाती है। एक अच्छी चीज़ लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए दुआओं में याद रखिए दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लंबे टूर पे निकलने वाले हैं और अच्छी अच्छी जगह की ज़्यारत आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले पहले आप तक। नहीं, आपको करना क्या है, जब इरशाद आलम व्लॉग जाएंगे ना, इसमें एक लाल ऐसा आएगा, लाल पिक करना कुछ, इसे उंगली मारना है, जब उंगली मारेंगे ना तो छोटी सी घंटी नजर आएगी, घंटी पे एक उंगली मार देना, वो पूरा काम होगा, दो उंगली मारना। वरना नेताओं की तरह अधूरा काम नहीं करें, यहाँ की सरकार की तरह पूरा काम करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। वाह बड़ा शानदार बोला, शुक्रिया जज़ाकअल्लाह।